अपने दर्द के आंसू खुद रो रहा है। शहर की सड़कों का सीना छलनी कर अंडरग्राउंड सीवेज परियोजना की शुरुआत की गई, लेकिन यह परियोजना कब ठंडे बस्ते में चली गई पता ही नहीं चला। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग शहर के गड्ढों से परेशान हैं। जिस परियोजना को 2 साल में पूरा हो जाना था वो आज तक पूरी नहीं हो पाई, और इस दर्द को बिलासपुर शहर बीते 16 साल से झेल रहा है। मैं बिलासपुर बोल रहा हूं। न्यायधानी के नाम से भी मुझे जाना जाता है, लेकिन 16 साल से न्याय के लिए तरस रहा हूं। विकास के नाम पर मेरे सीने को छलनी कर दिया, जगह जगह खड्डे खोदकर मुझे खोदापुर का दर्जा दे दिया। मेरे नाम का मतलब आनंद का शहर है, लेकिन विकास के नाम पर जो गड्ढे मेरे सीने पर खोदे गए उन गड्ढों ने मुझे मौत का सौदागर बना दिया है। लोगों को राहत देने के लिए सीवरेज परियोजना की शुरुआत हुई ताकि गंदा पानी सही जगह पहुंच सके, लेकिन 16 साल पहले देखा गया ये सपना अब तक हकीकत से कोसों दूर है। मेरे बाशिंदे परेशान हैं, इन्हें देखकर मेरे आंसू छलक पड़ते हैं। तो दर्द से कराह उठता हूं, ये दर्द 16 साल से झेल रहा हूं। सरकार बदली लेकिन मेरा मर्ज कोई ना समझ पाया। शहर के दिल का हाल आपको सुनाया, ऐसा ही दर्द लोगों का भी है जो 16 साल से सीवरेज परियोजना के पूरा होने का आस लगाए हुए हैं। सरकारें बदली, प्रशासन के मुखिया भी बदले, नहीं बदला तो बिलासपुर और शहर की जनता का भाग्य। गड्ढों में सफर करते करते लोग बेहाल हो गए हैं। एक दिन नहीं पूरे 16 साल गुजर गए लेकिन गड्ढों से निजात नहीं मिल पाई। समस्या अपार, सियासत आर पार। सीवरेज का काम करने आए थे कि भ्रष्टाचार करवाने आए थे? पूरी परियोजना 193 करोड़ की 423 करोड़ और पता नहीं अब और कितना खर्चा किया जाएगा। दावों का दम, जमीन पर सब बेदम। कांग्रेस की शासन आई तो उन्होंने बिल्कुल भी सीवरेज की योजना को ध्यान नहीं दिया। चुनाव का बहाना सालों पुराना। सीवरेज परियोजना अधूरा सपना। उम्मीद करते हैं कि वापस से जो अधूरा हुआ है सीवरेज का काम वो पूरी रूप से पूर्ण रूप से बन जाए, कंप्लीट हो जाए। गुजर गए 16 साल शहर बेहाल। खोदते रह गए, पूरे बिलासपुर को खोदापुर बना दिया। सीवरेज का काम करने आए थे कि भ्रष्टाचार करवाने आए थे? मौत के गड्ढे छीन रहे जिंदगियां। पानी जगह जगह पे भर जाते, एक्सीडेंट अभी तो वैसे मेरा भी एक बार हो गया था, बड़ी भयंकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था हफ्ते भर के लिए। बड़ा गड्ढा था, वहाँ लाइटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। बिलासपुर शहर की दशा और दिशा बदलने के लिए सीवरेज परियोजना की शुरुआत की गई थी 16 साल पहले, साल 2008। 180 करोड़ का बजट, एक सपना था शहर का विकास हो और लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ये सपना आज भी अधूरा है। वजह है शासन और प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी। जो सपना 2010 तक पूरा होना था वो आज भी अधर में है। सीवरेज परियोजना का दर्द बिलासपुर शहर में रहने वाला हर शख्स झेल रहा है। सीवरेज ऐसा है, ये कम से कम 15-16 साल से ये चल रहा है सीवरेज का काम, जो आज तक पूर्ण ही नहीं हुआ है। और आए दिन कभी इधर गड्ढा खोद रहे हैं, कभी उधर गड्ढा खोद रहे हैं, कभी उधर गड्ढा खोद रहे हैं।
ये सीवरेज तो ऐसा हो गया है कि पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आए दिन जब देखो जब यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, इसके कारण लोग दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं और लोगों को, राहगीरों को परेशानी भी हो रही है। सीवरेज परियोजना लक्ष्य शहर में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप और नालियों में गंदगी फेंकने से निजात दिलाना था। इसके लिए तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना लेकर आए। क्या है सीवरेज परियोजना? साल 2008 में योजना की शुरुआत हुई। शुरुआत में 180 करोड़ रुपए का बजट था। 2010 तक यानी 2 साल में काम पूरा होना था। घर घर बने सेप्टिक टैंक से पाइपलाइन जोड़ना, पूरे शहर के पानी को एक जगह इकट्ठा करना था, पानी को साफ कर दोबारा इस्तेमाल करना, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए घरों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा कर उसे फिर से इस्तेमाल करना था, सड़कों पर 30 फीट गड्ढे कर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ। काम ऐसा शुरू हुआ कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। शहर में जो गड्ढे हो रहे होने ही नहीं चाहिए, सीवरेज की जरूरत ही नहीं बिलासपुर में, लेकिन फिर भी जगह जगह पे बार बार सीवरेज कर देते हैं, उसके वजह से दुर्घटना एक्सीडेंट होते रहते हैं। 16 साल का इंतजार आज भी अधूरा है और कब तक इंतजार करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। लोग परेशान हैं और उस परेशानी को सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। न्यूज 18 के लिए बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट। तो 2008 में बिलासपुर में सीवेज लाइन डलने की शुरुआत हुई, योजना का काम 2 साल में पूरा हो जाना था यानी कि 2010, लेकिन अंदाजा लगाइए आप 2024 आ गया और 16 साल गुजर गए। आखिर ऐसा कैसा काम है, किस तरीके से काम हो रहा है, रफ्तार क्या है, वजह क्या है, ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, वाकई ये हैरान करता है, आखिर इसकी नोडल एजेंसी नगर निगम क्या कहती है, कब ये योजना बनाई गई? दूसरा, योजना बनाने के दौरान क्या एज्यूम नहीं किया गया कि कितने साल में ये योजना बनेगी? दिक्कत कहां है? ये 2008 में शुरू हुई थी, 2011 हमें इसे पूरा होना था, लेकिन आज समय लगभग 16 साल का बीतने को है, लेकिन आज भी अंडरग्राउंड सीवरेज का जो काम है अब भी अधूरा है। और इसका जख्म आया तब दिखाई देता है जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये अंडरग्राउंड सीवरेज योजना एक मुद्दा बनकर लोगों के बीच उठती है। मुद्दा लोगों के बीच में उठती है लेकिन उठाने वाला जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस योजना को कब पूरा करेगा ये जब सवाल किया जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। हमारे साथ सीधे तौर पर जनता जुड़ी हुई, इनसे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण योजना थी अंडरग्राउंड सीवरेज योजना, क्या लगता है कि भरोसा है पूरा हो पाएगा? 2006 में प्रारूप तैयार किया गया, 2008 में यह योजना आई। पहले 320 करोड़ की थी, बाद में 390 करोड़ हुई, 40 करोड़ और बढ़ा के 430 करोड़ इस पर लाया गया, और यह तय था कि अक्टूबर 2010 तक यह योजना पूर्ण कर ली जाएगी, परंतु आज 2024 हो चुका है और वही ढाक के तीन पात कुछ भी नहीं हो पाया। 267 किलोमीटर के आसपास करीब करीब शहर को खोदा गया नालियों के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं 2-3 जगह में, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ भी नहीं हो पाया। इसमें तो मैं चाहता हूं कि अमर अग्रवाल जी एक्शन ले, वर्क ऑडिट करवाएं, इस पूरी योजना का वर्क ऑडिट करवाएं कि यह योजना पूर्ण हो सकती है या नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ यह है कि जो दोषी हैं, जैसे मेन हार्ट कंपनी हुई है या फिर सिंप्लेक्स कंपनी हुई है, जैसे बाहर चलता है कि इस योजना में करीब करीब मेरे ख्याल से 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हजारों लोग घायल हुए हैं, तो उनका मुआवजा के स्वरूप में, इस योजना को लेट करने के स्वरूप में इनकी संपत्ति को राजसात किया जाना, कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजना, 2 साल में पूरा होना, लौटूंगा आपके पास, रहिएगा। लगातार चलते रही और इस योजना में उमेश हमारे नगर विधायक जो उस समय मंत्री उमेश रहेगा, उमेश और अमित कुमार जी कमिश्नर बिलासपुर नगर निगम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित कुमार जी, नोडल एजेंसी नगर निगम है, योजना 2008 में बनी, 2 साल यानी 2 साल यानी 2010 के बाद 11 में लगभग इसे तैयार हो जाना चाहिए था, दिक्कत कहाँ है, कैसे गुजर गए 16 साल? इसमें जो सीवरेज का जो प्लानिंग हुआ था जी, उसके अंदर 2 STP हमारे यहाँ बनाए जाने थे, वो दोनों कंप्लीट होके रेडी हैं,
एक दो मुहानी में बना है 54 MLD का, एक 17 MLD का चिल्हाटी में बना जी। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है हाउस होल्ड को कनेक्ट करने थे, अभी तक हमारे यहाँ 6000 हाउस होल्ड जो है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो गए हैं, कनेक्ट भी हो गए हैं, जिनका जो है सीवरेज जो है कनेक्टेड है हमारे दोनों HCP से। बाकी जो है उन दोनों उनके लिए हमने जो है वापस से इसको प्लान को अभी चालू किया है और उसको करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। जी कब तक ये हम मानकर चले ये योजना पूरी हो जाएगी या फिर बिलासपुर वासियों को कुछ राहत मिलेगी? अभी एक डेडलाइन तो दिया जाना पॉसिबल नहीं होगा, अभी हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा घरों को जोड़े। अगले हमारे पास जो टारगेट है कि इस दिसंबर तक हम लोग 13,000 और हाउस होल्ड को इसमें से जोड़ लेंगे, जिससे हमारा 30% कवरेज सिटी एरिया का हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे की स्पॉट जोड़ना बिल्कुल। एक और सवाल वो ये कि भाई इतनी देरी क्यों हुई, क्या कहीं प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम थी या कोई बीच में और बैरियर आ गए? इसमें जो सीवरेज का प्रोजेक्ट था इसमें है क्या कि मेनी मल्टीपल क्रिटिकल जंक्शन होते हैं जी। कि कई जगहों पर आपको जो है 7 to 8 meters अंदर ग्राउंड में जाना पड़ता है और कई जगह लो लेवल्स होते हैं जहाँ पे वर्क करना होता है। तो एक लॉन्ग प्रोजेक्ट था जिसमें विभिन्न कारण रहे हैं समय से जिसमें डिले रहा है, मगर मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था कि STP और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है पंपिंग स्टेशन हो जाने चाहिए। एक कुछ कोर्ट केस भी हमारे हाई कोर्ट में लंबित है जिसके कारण अभी तक हम उसमें पंपिंग स्टेशन नहीं बना पाए हैं। तो मोस्टली हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो फुल्ली रेडी है, पाइपलाइन 100% अभी लगभग शहर में बिक चुका है, क्रिटिकल जंक्शन से कनेक्ट करना और हाउस होल्ड कनेक्टिविटी पे वर्क अभी कर रहे हैं जी। जी अमित जी रहेगा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता उमेश मौर्य भी हमारे साथ बने हुए, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उमेश अमित जी देखिए लगभग 20% का काम बचा हुआ है, आप लगातार कह रहे हैं, आपसे कई बार हमने इंटरव्यू में भी पूछा था क्या वजह है कि ये 20% का काम जो है अब तक के शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि 5 साल का वक्त भी बीत गया, उस 5 साल में भी कोई काम नहीं हुए, अभी फिर से जो है काम शुरू करने की बात कही जा रही है, क्या उम्मीद करे शहर की जनता की ये काम पूरा हो पाएगा? इसमें जो एजेंसी थी जिसको वर्क दिया गया था क्योंकि उसके द्वारा काम नहीं किया जा रहा था और जो आप बता रहे हैं रुकावटें थी, तो हमने इस कंपनी का निरस्त करवाने के लिए शासन को प्रेषित कर दिया है। ये कंपनी का निरस्त होगा तो इनकी बैंक गारंटी लगभग 27 करोड़ की है जो निगम जब्त कर लेगी और इससे आगे का काम कराया जाएगा। इसी बचे हुए रिमेनिंग वर्क के लिए हमने 2 tenders भी फ्लोट किया था जिसकी भी दर अनुमति के लिए हमने शासन को भेजा हुआ है, उसके उसको प्राप्त करके भी हम आगे इसमें काम करा लेंगे जी। बिल्कुल अमित जी शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए, तो आशा ये करते हैं कि बिलासपुर वासियों को जरूर कुछ राहत मिलेगी। और उमेश हमारे साथ बने हुए हैं, उमेश के साथ आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अधूरी सीवरेज परियोजना को लेकर बिलासपुर में सियासतदान राजनीति भी खूब चमकाते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं परियोजना का जिन्न बाहर निकल आता है। बीजेपी के कार्यकाल में शुरू हुई इस परियोजना को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से इसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कब तक समय सीमा कोई नहीं बताता। समस्या अपार, सियासत आर पार। सीवरेज का काम करने आए थे कि भ्रष्टाचार करवाने आए थे? पूरी परियोजना 193 करोड़ की 423 करोड़ और पता नहीं अब और कितना खर्चा किया जाएगा। दावों का दम, जमीन पर सब बेदम। कांग्रेस की शासन आई तो उन्होंने बिल्कुल भी सीवरेज की योजना को ध्यान नहीं दिया। चुनाव का बहाना सालों पुराना। जनता का सवाल कब निकलेगा हल? कोई भी योजना जो भी ठेकेदार लेता है तो बड़ा स्पष्ट रहता है कि भाई बारिश के दिनों को छोड़कर, 3 महीने की जो बारिश के दिन है उसको छोड़कर, आप जैसे 24 महीने का बहता है तो वह 21 महीने में पूर्ण होनी चाहिए, परंतु 21 महीने का 21 साल नहीं लगता। जी हाँ, जनता पूछ रही है, 16 साल गुजर गए हैं, आखिर इतने सालों का ये सपना कब हकीकत का रूप लेगा? और जिम्मेदारों का रटा रटाया जवाब है, अभी चुनाव आ रहे हैं, बस उसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। अंडरग्राउंड सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है इसमें जो रिमेनिंग था इसको 2 parts में करके हम लोगों ने निमिता भी आमंत्रित की थी, उस आचार संहिता के बाद इस अभी निमिता पर विचार किया जाएगा, इसको शासन पे दर स्वीकृति के लिए भेजा गया है, उसके बाद इसमें आगे प्लानिंग करेंगे। एक तरफ जिम्मेदार है तो दूसरी तरफ नेताजी जो हर बार दावों में दम भरते नजर आते हैं,
कभी सरकार का हवाला तो कभी बजट का रोना। बीजेपी नेता का कहना है कि जल्द ही सीवरेज परियोजना पूरी होगी। पिछले 5 सालों में बीजेपी की शासन नहीं रही या कांग्रेस की शासन आई तो उन्होंने बिल्कुल भी सीवरेज की योजना को ध्यान नहीं दिया, कहीं पर भी 1% काम नहीं किया। आज फिर से बीजेपी की शासन आई है, हम उम्मीद करते हैं कि वापस से जो अधूरा हुआ है सीवरेज का काम वो पूरी रूप से पूर्ण रूप से बन जाए, कंप्लीट हो जाए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि सीवरेज परियोजना के नाम पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। एक बार फिर बिलासपुर को बीजेपी खोदापुर बना देगी। खोदते 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 रह गए, पूरे बिलासपुर को खोदापुर बना दिया। सीवरेज का काम करने आए थे कि भ्रष्टाचार करवाने आए थे। पूरी परियोजना 193 करोड़ की 423 करोड़ और पता नहीं अब और कितना खर्चा किया जाएगा। ये परियोजना इनको इस खोदापुर बिलासपुर के कारण लोगों को कितनी परेशानियां हुई, हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। जब भी इन मुद्दों पर बहस होती है तो बीजेपी नेता कहते हैं हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। कांग्रेस कहती है ना पहले पूरा हुआ और ना ही अब पूरा हो पाएगा, सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं। हमने पहले भी कहा है, अब भी कहा है, बनाया भी हमने और संवारेंगे भी हम। अब अमर अग्रवाल जी आ गए हैं और देखिए सीवरेज का काम रुकेगा नहीं, बहुत सुचारू रूप से उसको पूर्ण करके हम छोड़ेंगे। जो कांग्रेस की सरकार जो 5 साल तक सिर्फ बोलते रही है काम कुछ नहीं किया, अभी ये चेंबर आप जो दिखा रहे हैं ना, ये कांग्रेस सरकार भी चाहती तो ठीक कर सकती है। 5 साल में पूरा होगा योजना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सपने लग रहे हैं, सपने मुंगेली लाल के सपने। मुंगेली लाल के सपने, सपने पूरे होंगे? सपने सच होते तो नहीं दिखाई दे रहे। 15 साल जिस तरह से खोदापुर के नाम से बिलासपुर प्रचलित प्रसिद्ध था और हिसाब से इस पंचवर्षी में खोदापुर का बड़ा रूप नाम आएगा। 400 करोड़ रुपया अब तक सीवरेज परियोजना पर खर्च हो चुका है और अभी भी 20% काम बाकी बताया जा रहा है। पता नहीं ये काम कब पूरा होगा, फिलहाल देखना होगा। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आ गई है, जिसने इस योजना को लाया था वो फिर से सरकार पर है। देखना होगा कि इस योजना को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, क्या ये योजना सच पे धरातल पर उतर कर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए अभी इस खबर पर। उमेश, आखिर नेताओं का पक्ष भी सुन लिया, जनता को मुंगेरी लाल के सपने लगते हैं, और क्या कहती है जनता, सुनवाइए। देख बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए मेरे पास हमारे साथ शहर की पूरी तमाम जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही पूर्व महापौर भी हमारे साथ हैं। इनके कार्यकाल में भी आपने भी आपके भी कार्यकाल में ये योजना जो है वो चली, क्यों नहीं पूरी हो पाई? सीवरेज की योजना हमारे कार्यकाल में गति पकड़ ली थी और बहुत तेजी के साथ काम हुआ और इसीलिए उस कालखंड में हम कह सकते हैं कि मात्र 20% काम बचा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद उसके बाद भी मेरे पास 1 वर्ष का था समय था और हम ये चाहते थे कि ये योजना पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए और आम जनता को इसका लाभ मिले और इसीलिए हमने निरंतर प्रयास किया। और उस दौरान प्रयास में कहाँ कमी रह गई? प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं थी। अब मतलब मुझको कभी कभी इस बात पर भी घोर आश्चर्य होता है कि जिस योजना को लेकर, क्योंकि शुरुआत यदि मैं कहूँ तो कांग्रेसियों की इस योजना को लेकर कभी भी नीयत सही नहीं थी। और इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीवरेज परियोजना पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव का ये बड़ा बयान है सीवरेज परियोजना पर कि इसे जल्द पूरा किया जाएगा, अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। तो बिलासपुर में करीब 1.5 दशक से ज्यादा लंबे समय से अधर में पड़ी सीवरेज परियोजना अब जल्द पूरी होगी, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है। और इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का यह बयान आया है कि जल्द इस योजना को परियोजना को पूरा किया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना, लेकिन योजना आज तक के पूरी नहीं हुई, कुछ मौतें भी हुई है, आंकड़े बीमारियों के भी सामने आ रहे हैं, तो जनता मांग कर रही है आपसे। हाँ जी, जल्दी से होगा, वो लगातार उस पर काम हो रहा है, बहुत जल्दी वो परियोजना पूरी होगी। और उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए। उमेश, डिप्टी सीएम कह रहे हैं जल्द पूरा होगा, जनता को भरोसा है, कोई आशा जगती है?
चलिए, डिप्टी सीएम ने एक भरोसा दिलाया है कि ये जो योजना है जल्द पूरा होगा। आप शहर की जनता है, क्या लगता है योजना पूरा होगा? डिप्टी सीएम ने भी कह दिया आप तो। देखिए, अभी तक जिस स्थिति को देख रहे हैं उस हिसाब से ये योजना के पूर्ण होने में अभी भी संदेह है, क्योंकि 2006 से ये योजना लाई गई थी और आज तक ये अधूरी है। लोगों ने इसे गड्ढापुर और खोदापुर के नाम से बिलासपुर को इसकी पहचान मिली। आपको क्या लग रहा है, अब ये योजना पूरी? यह सीवरेज प्रोजेक्ट, अभी पूर्व महापौर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इसे रुकावट डाला। 2006 से जो योजना चला आप 15 साल में पूरा नहीं कर पाए, तो उस योजना को आप चाहते थे 5 साल में भी। और जनता जो 19 लोग मर गए यहाँ गड्ढे में गिर के, आज बिलासपुर की यह दुर्दशा है कि थोड़ा सा अगर बारिश हो तो ऐसे लगता है कोई नदी नाले में तब्दील हो गया। नदी नाले में तब्दील हो जाए, लग रहा है उम्मीद है योजना पूरी होगी। सब सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शरम आना चाहिए जो अपनी नाकामियों को दूसरी पार्टी के ऊपर थोप रही है। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करने गए 15 वर्ष कम पड़ गए, वो मैन पावर कंपनी 15-16 वर्ष कम पड़ गए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद उमेश। लेकिन बिलासपुर और रायपुर के बाद सबसे बड़े शहरों में है छत्तीसगढ़ के बावजूद ऐसा हाल है वहां पर परियोजनाओं का। अलार्म में बस इतना ही।